आयनिक साम्य बनता। चलो कॉपी बंद करो, यहाँ समझो आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है ये समझने से पहले इसके अंदर है ना हम कुछ चीजों का स्टडी करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, इस चीज को समझने से पहले हम कुछ चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। और वो चीज क्या है, तो यहाँ हम सब पूरे सब्सटेंस को पूरे पदार्थ को यहाँ दो भागों में बांटा गया है। पूरे पदार्थ को यहाँ कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पूरे सब्सटेंस पूरे पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। इसका एक भाग जो है उसको बोला गया इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोला गया इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे भाग को बोला गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यानी आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में सब्सटेंस को दो भाग में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। एक तो सब्सटेंस का पहला पार्ट क्या हो गया इलेक्ट्रोलाइट, और सब्सटेंस का दूसरा पार्ट क्या हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो ये नया है इसलिए आपको भी समझ में आएगा, और उसके पीछे आप भी थोड़े नए हो, कल परसों आप ही आए हो। अरे पीछे क्या नाम है तुम्हारा, सौरभ, सौरभ, और तुम्हारा रवि रंजन। तो सौरभ और अभिरंजन आप दोनों नए हो, वो एक दिन पहले आया है आप आज आए हो, बात दोनों के लिए बराबर है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम का एक पार्ट खत्म हुआ है, ये सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा आप ये नया चीज है इसलिए आप समझ सकते हो, इसके पहले वाला चीज अभी फिलहाल यूज नहीं होगा इसके अंदर, इसलिए अभी बिल्कुल सबके लिए नया है। इन लोग के लिए भी ये चीज नया है, तो आप दोनों के लिए भी ये चीज नया है। तो जैसे इन लोग समझेगा आप दोनों भी यहाँ पर समझोगे। तो जितने भी सब्सटेंस है आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया है। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया है, पहला भाग जो हमारा है इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरे भाग को इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत अपघटन, क्या बोलते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ, कौन सा पदार्थ वैद्युत अपघट्य पदार्थ, और इसको बोला जाता है अवैद्युत अपघट्य पदार्थ, अवैद्युत अपघट्य पदार्थ, अपघट्य पदार्थ। अब ये इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस क्या होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस क्या होता है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है। तो देखो वैद्युत अपघट्य पदार्थ इसके अंदर जो सबसे पहला बात ये है, अभी हम डेफिनेशन बताएंगे उस चीज को पहले समझो। देखो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ हैं, जितने भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं, उसके अंदर एक खासियत क्या होता है कि ये डिजॉल्व होता है वाटर में। किसमें डिजॉल्व होता है, वाटर में। तो ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिजॉल्व, डिजॉल्व मतलब घुलना, डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर, and gives ion, and gives ion. That type of substance is called as electrolyte. यही definition electrolyte का, यानी वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर आयन्स देते हैं, ऐसे पदार्थ को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। बताओ कितने लोगों को समझ में आया, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर आयन्स देते हैं, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर आयन्स देते हैं, फिर से एक बार बता रहे, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर आयन्स देते हैं ऐसे पदार्थ को, जैसे NaCl, जैसे NaCl। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम NaCl ले सकते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, जो नमक बोलते हो, तो ये जल में घुल भी जाता है। आप क्या नमक को घुलाते हो पानी में, तो नहीं घुलता है क्या, आसानी से घुल जाता है। तो NaCl इजिली डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव्स आयन, ये वाटर में डिजॉल्व भी हो जाता है और आयन भी देता है, Na+ और
अब आयन क्या होता है? जिस पर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज होते हैं। जिस पर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज होते हैं उसे आयन बोलते हैं। तो NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट से, क्यों इलेक्ट्रोलाइट से, इसको हम क्यों इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं? क्योंकि ये जल में घुल भी रहा है और घुलकर आयन भी दे रहा है। ये जल में घुल भी रहा है, घुलकर आयन भी दे रहा है, इसलिए NaCl क्या है? क्योंकि आयनिक, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन ही यही है कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर आयन लेते हैं, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर जैसे एक बार रिपीट कर रहे हैं, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर आयन लेते हैं वैसे पदार्थ को, जैसे NaCl जल में डिसॉल्व भी हो गया, वाटर में घुल भी गया, और वाटर में घुलने के बाद आयन भी दे दिया Na प्लस और Cl। जैसे और बताते हैं HCl भी एक इलेक्ट्रोलाइट से, क्यों? क्योंकि ये जल में भी घुल जाता है और जल में घुलने के बाद आयन भी देते हैं H+ Cl। हाँ है ना, तो ये जल में घुल भी रहा है और आयन भी दे रहे, जल में घुल भी रहा है और आयन भी। तो ऐसे पदार्थ हमारा किसके एग्जांपल होंगे? इलेक्ट्रोलाइट। कितने लोग को समझ में आया? आया नहीं आया? तो इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन क्या हो गया कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर आयन देते हैं, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर आयन देते हैं वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन क्या है और फिर दोनों में अंतर क्या है? तो देखो दोनों में अंतर क्या है, जल में ये भी घुलता है, जल में ये भी घुलता है, तो ये अंतर तो नहीं हुआ। जल में ये भी घुलता है, जल में ये भी घुलते हैं, दोनों में कॉमन बात, जल में ये भी घुलता है, जल में ये भी घुलते हैं, पर ये जल में घुलकर आयन देते हैं, पर ये जल में घुलकर आयन नहीं देते। ऐसे पदार्थ जो जल में तो घुलता है, जल में तो डिजोल्व है, वाटर में तो डिजोल्व है, बट वो आयन नहीं देता है, वैसे पदार्थ को नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यानी ऑल, या ऐसे बोल दो, दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर but they do not give iron, that type of substance is called as, that types of substances are called as, non-electrolytes। कितने लोग को समझ में आया? दोनों में अंतर समझ में आया? जल में ये भी घुलते, जल में वो भी घुलते, पर ये जल में घुलकर आयन देते, पर वो जल में घुलकर आयन नहीं देते। जल में ये भी घुलते हैं, जल में वो भी घुलते हैं, पर ये जल में घुलकर आयन देते हैं, पर वो जल में घुलकर आयन नहीं देते हैं। तो वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर आयन देते हैं उसे हम इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ बोलते हैं, और वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर आयन नहीं देते हैं उसे हम, अब इसके एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल क्या है? तो इसका अगर अच्छे से एग्जांपल की बात करें, इसके अगर अच्छे की एग्जांपल की बात करें, तो ऑल टाइप ऑफ एसिड किसके एग्जांपल हो जाएंगे? ऑल टाइप ऑफ एसिड किसके एग्जांपल हो जाएंगे? तो इसके सभी, इसमें सभी जितने भी एसिड हैं, केमिस्ट्री में जितने भी एसिड पढ़ने का है, हमारे पास जितने भी अम्ल हैं, एसिड हैं, वो सारे किसके एग्जांपल होंगे? इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी बेस हैं, ऑल टाइप्स ऑफ बेस, ये भी किसकी एग्जांपल है? इलेक्ट्रोलाइट। ऑल टाइप ऑफ एसिड, ऑल टाइप ऑफ बेस, यानी सभी प्रकार के अम्ल
ये किसकी एग्जांपल है? इलेक्ट्रोलाइट, सभी प्रकार के क्षार, सभी प्रकार के क्षार, ये भी किसकी एग्जांपल है? एंड एक और, ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट, ऑल टाइप ऑफ, ये सॉल्ट ही तो है, ये एसिड है, ये सॉल्ट है, एक हमने एग्जांपल सॉल्ट का ले लिया, एक हमने एग्जांपल एसिड का ले लिया, तो ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट, ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट मतलब लवण, तो सभी प्रकार के लवण किसके एग्जांपल है? सभी प्रकार के लवण, सभी प्रकार के लवण किसके एग्जांपल है? यानी बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, ऑल टाइप ऑफ एसिड इज द एग्जांपल ऑफ, ऑल टाइप ऑफ बेस इज द एग्जांपल ऑफ, नहीं आया समझ में? ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट इज द एग्जांपल ऑफ, तो इलेक्ट्रोलाइट की तो ढेर सारे एग्जांपल हो गए, ऑल टाइप ऑफ एसिड आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑल टाइप ऑफ बेस आर द एग्जांपल ऑफ, ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट आर द एग्जांपल ऑफ, आर द एग्जांपल ऑफ इसके एग्जांपल, इसके एग्जांपल। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, ग्लूकोज समझते हैं? जो ग्लूकोज घोल के पीते हो वो पानी में घुलता है पर वो आयन नहीं देते, पानी में घुल तो जाता है पर वो आयन नहीं देते। चीनी पानी में घुल तो जाता है, शरबत बनाते हैं तो पानी में घुलता है ना चीनी, तो चीनी पानी में, चीनी यानी शुगर, चीनी यानी शुगर, शुगर पानी में डिजॉल्व तो है पर डिजॉल्व होने के बाद वो आयन नहीं देते। तो ये सब किसके एग्जांपल है? ये सब सब किसके एग्जांपल है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, सुक्रोज, सब किसके एग्जांपल है? या ये बोल दो इन जनरल, अगर हम इन जनरल की बात करें, इन जनरल तो हम ये बोल देते हैं कि ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन आर द एग्जांपल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन आर द एग्जांपल ऑफ, आर द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन, नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड कर दे तो और ज्यादा अच्छा है, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक, हालांकि हाइड्रोकार्बन को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, आपने 10th क्लासेज में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन ही होता है हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज, हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न से बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, तो ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या उसी को क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोकार्बन आर द एग्जांपल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बताओ कितने लोग को समझ में आ गया? तो ये सब आपको पता होगा, पढ़ाया गया होगा 10th में, इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज ऑल्सो अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा मिथेन, इथेन, प्रोपेन, समझ में आया? और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल, ठीक। ये भी क्या है? दो कार्बन इसके अंदर, ऐसा स्ट्रक्चर आप देखे होंगे 10th में ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। C3H8 तीन कार्बन आठ हाइड्रोजन, इसको अगर बनाना चाहे तो तीन कार्बन आठ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, छह हाइड्रोजन, सात हाइड्रोजन और आठ हाइड्रोजन। तो ये सब सब किसके एग्जांपल हो गए? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के, क्यों? क्योंकि ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सभी हाइड्रोकार्बन है, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सभी कार्बनिक यौगिक है और सभी कार्बनिक यौगिक
नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है भाई? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल है। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड या सभी हाइड्रोकार्बन आर द एग्जांपल ऑफ। तो ये सब सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, इसलिए क्या है? तो क्या आपको समझ में आया इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स वो पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर आयन देते हैं, और उसके एग्जांपल क्या है? ऑल टाइप ऑफ एसिड आर द एग्जांपल ऑफ, ऑल टाइप ऑफ बेस आर द एग्जांपल ऑफ, एंड ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। वैसा पदार्थ जो जल में घुलते तो है पर आयन नहीं देते, वैसा पदार्थ जो जल में घुलते तो है पर घुलकर आयन नहीं देते, वैसे पदार्थ को नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, सुक्रोज, केन शुगर, केन शुगर मतलब गन्ने का रस, केन शुगर का मतलब, ये सब सब हाइड्रोकार्बन है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेम केन शुगर गन्ने का रस, इसको क्या बोलते हैं? गन्ने का रस। ये सब सब किसके एग्जांपल है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि सब हाइड्रोकार्बन है, सब क्या है? और इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा ये सब तो सुने होंगे आप, इसके अलावा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, नॉनीन, डेकीन, अरे सुने हो ना? फिर अनसैचुरेटेड में ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं। तो ये सैचुरेटेड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही केवल है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड। ये भी एग्जाम्पल हो सकते थे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी तो एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं C2H4, ये हमारा इथीन होगा। क्या होगा? इथीन, इथेन नहीं, इथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया? तो ये क्या होगा? इथीन। पढ़े होंगे आप टेंथ में इथीन, ठीक। या इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? हाँ सही बोल रहा है, कॉमन नेम अल्कीन, अल्कीन में ही इथीन हो गया। क्या हो गया? ठीक है चलो। तो ये सब एग्जांपल। इसके अलावा, इसके अलावा और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे आपने सुना होगा, आपने सुना होगा प्रोटीन का नाम सुना होगा, प्रोटीन ही सुने हो, प्रोटीन इज ऑल्सो ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड प्रोटीन इज ऑल्सो ए हाइड्रोकार्बन, एंड इट इज ऑल्सो ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन नहीं सुने हो? प्रोटीन यार, प्रोटीन जो खाते हो, अरे प्रोटीन है ना। या इसके अलावा फैट बोलते हो, बसा, फैट, दूध में फैट होता है, फैट, फैट इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन, फैट इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसको बसा बोलते हो। क्या बोलते हो? बसा। ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये सब जल में घुलते तो है पर आयन नहीं देते हैं। सेलुलोज इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेलुलोज इज ऑल्सो ए सेलुलोज। अनाज का छिलका, गेहूं का छिलका, ये सब सेलुलोज होता है, वो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट से जल में घुलते तो है पर आयन नहीं देते, पर आयन नहीं देते। इसके इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा ढेर सारे तो एग्जाम्पल हो गया। हम जब एक लाइन में बोल दिए ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन, तो ये सब हाइड्रोकार्बन है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, सुक्रोज, केन शुगर, प्रोटीन, फैट, सेलुलोज, इधर इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथीन, मिथीन, ब्यूटीन, सब क्या है? ये सब बेंजीन, बेंजीन ऑल्सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पढ़े हो गए ना टेंथ में, बेंजीन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, C6H6, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, हेक्सागनल अल्टरनेट बॉन्ड, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं, एक बीच में रिंग बना दिया जाता है, नहीं देखे हो, ये नहीं देखे हो, ये देखे होंगे आप लोग, ये भी होता है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को ना बताकर हम एक रिंग बना देते हैं बीच में सर्कल। तो ये दोनों एक ही है, C6H6, ये भी क्या है? बेंजीन, C6H6, पासल में आ रहा है। तो ये सब 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 किसके एग्जांपल है? क्या आपको समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया? हाथ खड़ा करना, कितने लोग को समझ में आ गया समझ में? चलो तो
आयनिक इक्विलिब्रियम तो हेडिंग डाली थी, अब यहाँ से सब्सटेंस लिखो, सब्सटेंस के दो भाग करो और इलेक्ट्रोलाइट लिखकर डाल, तो हिंदी में डेफिनेशन लिखा देते हैं, उसके बाद इंग्लिश में लिख लेना। चलो, और यहाँ आयनिक इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में कौन से टाइप के सब्सटेंस का स्टडी करना है, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने रिवर्सिबल रिएक्शन का स्टडी किया था, नॉन रिवर्सिबल को छोड़ दिया था, तो यहाँ हम इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टडी करेंगे और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को छोड़ देंगे, क्योंकि इसी के अंदर आयंस मिलेंगे ना, हम पढ़ रहे हैं क्या आयनिक इक्विलिब्रियम, समझो बात को, हमें किस में इंटरेस्टेड है यहाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स में, क्यों, क्योंकि यही तो टूटेगा, यही तो टूटेगा और टूट कर क्या देंगे, आयंस देंगे, यही तो टूटेंगे और टूट कर आयंस देंगे, अरे देंगे कि नहीं, तो हम पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, और आयंस कौन देगा, क्या ये आयंस देंगे, तो इसकी स्टडी यहाँ पर नहीं किया जाएगा, तो ओनली आगे हम किसको लेकर चलेंगे, ओके चलो फटाफट उतारो। दस लोग कहाँ गए, तीन सारे कहाँ है, सब पल्लवी नहीं आई, और कर्मा है, कर्म करो है ना, कर्मा और कर्मा मत करो, कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्मा कौन करता है, कर्मा लड़की लोग हैं, कौन करती है, लड़की लोग करती है, बड़ा त्योहार है लड़की लोग का, वो कौन किया, तुम्हारे लिए नहीं है क्या, भाई दूज है तुम्हारे लिए, रक्षाबंधन लगभग सब, कर्मा भी भाई के लिए किया था।